जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। खबर है कि 2024 में लगभग 10 करोड़ लोग हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, बौद्धिस्ट बनेंगे। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी यह मुहिम छेड़ चुके हैं। मिशन 2024, लगभग 10 करोड़ लोग हिंदू से बौद्धिस्ट। राजेंद्र पाल गौतम जी एक टोल फ्री नंबर सार्वजनिक कर चुके हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो वहां पर एक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने में मदद करेगा। आंकड़े को पता चलेगा कि कितने लोग इस समय तैयार हो चुके हैं, कितने लोग चाहते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि धर्मांतरण यह पहली बार नहीं हो रहा, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी का जो सपना था, जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने नागपुर की दीक्षा भूमि से लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर यह चाहा था कि भारत के वंचित करोड़ों गरीब लोग बौद्धिस्ट बने, इस हिंदू धर्म की बेड़ियों को तोड़ दें। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, यह मेरे बस में है। यह कहते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण किया था, और यह बात समय समय पर दोहराती रही। हर वर्ष लाखों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते रहे, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, और यहाँ हम यह बता देना चाहते हैं कि 2024 में राजेंद्र पाल गौतम जी मान लेते हैं हम कि लोगों को बौद्धिस्ट बना देते हैं, 10 करोड़ लोगों को बौद्धिस्ट बना देते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा दिला देते हैं, क्या इस बात से क्या गारंटी रहेगी कि वह बौद्ध बनने के बाद अपना उद्धार कर सकेंगे? क्या वह बौद्धिस्ट बनने के बाद हिंदू धर्म के कर्म कांडों से निकल सकेंगे? क्या वह बौद्ध बनने के बाद महिलाओं का सुधार कर सकेंगे? जो महिलाएं हैं जो आडंबर में पड़ी हुई है, जो कभी बाहर नहीं निकलना चाहती, क्योंकि यह कोई साल दो साल की गुलामी नहीं है। मनुस्मृति के दौर में, जो कि हजारों वर्ष तक मनुस्मृति रही, उस दौर से यह आडंबर बने हुए हैं। यह खामियां है असमानता की, हिंदू धर्म कर्म कांड में पढ़कर क्या इनसे बाहर निकल सकेंगी? क्या बौद्ध धर्म गुरु आगे आ सकेंगे लोगों को हैंडल करने के लिए, उनको टिकाऊ बनाने के लिए कि वह टिके रहे? क्योंकि अब से पहले भी जो बौद्धिस्ट बने, कोई उन्होंने ऐसा तीर नहीं मारा जो कि मानव कल्याण में या बहुजनों के हित में कुछ ऐसा करके दिखाया हो जो कि लोगों का विश्वास बौद्ध धर्म पे जमा हो। दोगले कहलाते हैं जो लोग बौद्ध बनते हैं, अभी तक रिश्तेदार भी किनारा कर लेते हैं, सगे संबंधी पीछे हट जाते हैं, कोई उनकी बात नहीं मानता, दोगलों में गिनती की जाती है, क्योंकि बौद्ध बनने के बाद भी वह अपने परिवार को ठीक प्रकार से बौद्धिस्ट नहीं बना पाते। उसका एक कारण है जिस पर हम अपना विश्लेषण बताएंगे, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, जो हमने टॉपिक उठाया उस टॉपिक पर, मुद्दे पर हम आते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, हम भी अध्ययन करते हैं, डीपली जाते हैं, धर्मांतरण क्या है, क्यों लोग धर्मांतरण करते हैं। धर्मांतरण का एक मामला अभी भी सामने आया है, जिसमें एक मोहम्मद उमर गौतम नाम सामने आ रहा है, जिसने लगभग 1000 लोगों को धर्मांतरण कराया है नोएडा के अंदर, जो उन पर आरोप लग रहा है कि ज़बरदस्ती से धर्मांतरण किया गया। लेकिन इस बात को हम सच नहीं मानते कि ज़बरदस्ती कोई आदमी धर्मांतरण कर सकता है, क्योंकि यह एक दिल से भावना जुड़ी होती है, मन से जुड़ी होती है। जहाँ जिसको अच्छा लगता है वह कार्य करना चाहता है। यदि हम किसी से कहें कि आप इस कार्य को मत करो, इसको करो, कोई किसी का मानसिक गुलाम नहीं है, दिल से नहीं मानेगा उस बात को। तो वहीं हम बात बताएं आपको कि धर्मांतरण जो किया गया, जो यह नाम निकल कर आया मोहम्मद उमर गौतम,
यह कोई जन्म से मुस्लिम नहीं है, यह भी हिंदू से मुस्लिम बना और अपने प्यार से बना, किसी के दाव धोस से नहीं बना। यह एग्जाम्पल है। जैसे कि हमने पढ़ा कि मोहम्मद उमर गौतम जो कभी हिंदू होया करता था, एक राजपूत परिवार में जन्मा था जिसका नाम था श्याम प्रताप सिंह गौतम, और पिता का नाम था जिसके धनराज सिंह गौतम, और श्याम प्रताप सिंह गौतम नैनीताल में एक कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई की, जिसका वहाँ पर एक दोस्त बना मोहम्मद नासिर खान। मोहम्मद नासिर खान का वह किस्सा सुनाया करता है, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा हमदर्द बना श्याम प्रताप सिंह के जब पैर में चोट लग गई थी तो अपने साइकिल पर बैठाकर उसको इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाया करता था, उसके हर दुख दर्द में काम आया करता था मोहम्मद नासिर। और श्याम प्रताप सिंह गौतम जो है, जो आज उमर गौतम के नाम से खत रखता है, इस्लाम कबूल कर चुका है, नासिर ने उसको किताब भी पढ़ने को दी, इस्लामिक किताबें, कुरान, तो उसको मोहित कर लिया इस्लाम ने, हिंदू धर्म से उसको घृणा होने लगी और उसने इस्लाम कबूल कर लिया, अपना नाम मोहम्मद उमर गौतम रख लिया। जिसके बाद दिल्ली जामिया विश्वविद्यालय से इस्लामिक पढ़ाई में एमए की। और यह पहला उदाहरण नहीं, इससे पहले यदि हम आपको याद दिला दें कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी, ध्वस्त करने वाले कार सेवकों में सबसे पहला हथौड़ा मारने वाले का नाम था बलबीर सिंह, जो कि वह भी राजपूत था। बलबीर सिंह को कुछ समय बाद पछताप हुआ, उसको कुछ ऐसा लगा कि तूने ये क्या कर दिया, और प्रेम से उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया, जिसका नाम आज की डेट में मोहम्मद आमिर है। वह भी खत रखता है, सर पर टोपी लगा कर रखता है, कोई ज़बरदस्ती से उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, ना ही किसी ने दबाव बनाया। यह तो मनुष्य का एक दिल से जुड़ा हुआ मामला होता है, यह कोई अपराध नहीं होता जो हम कहते हैं, क्योंकि जहाँ जिसको सुविधा मिलेगी, जिसको जहाँ प्यार मिलेगा, वह वहाँ जाएगा। यदि हम जानवरों की बात करें, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो, जहाँ उसको प्यार मिलता है उसके साथ वफादारी करता है। और यहाँ तो इंसानों की बात है, यहाँ सबसे बड़ी कमी यदि हम कहें आपको धर्मांतरण करने में, जो जिस धर्म से निकलकर जा रहा है उस धर्म में कमी होगी, कोई ना कोई तो कमी होगी जो कि उसको लोग छोड़ रहे हैं, उस कमी पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और यहाँ हम एक बात और बताना चाहते हैं कि धर्मांतरण एक अपना निजी मामला होता है, धर्मांतरण करने में देश का कोई नुकसान नहीं होता, और राजनीति को तो इसमें बीच में आना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म क्या है यह हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं। धर्म किस लिए बना और धर्म क्या है? धर्म मनुष्य को अच्छे बुरे की परख सिखाता है, धर्म मनुष्य को सही मायने में हम बताए जीवन जीने का ढंग सिखाता है, आध्यात्मिक अलौकिक शक्ति उसे जोड़ कर रखता है। बिना आध्यात्मिक के मनुष्य का जीवन जीना कठिन है। तथागत गौतम बुद्ध ने तो यह भी कहा कि बिना आध्यात्मिक के जीवन नहीं जी सकता मनुष्य, इसलिए उसको धर्म से जुड़कर रहना ही जरूरी होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इसलिए अपने आप को आस्तिक बनाया था, ना कि नास्तिक। वह चाहते तो वह बौद्ध धर्म भी ना अपनाते, हिंदू धर्म उन्होंने त्याग दिया था, ना इस्लाम अपनाते वह ऐसे रह सकते थे, लेकिन नहीं, उनको भी पता था कि धर्म मनुष्य को जोड़ कर रखता है, वरना सब पशु समान हो जाते हैं। बहन से क्या रिश्ता होता है, पत्नी से क्या रिश्ता होता है, बुआ से, चाची से, ताई से, सब से क्या रिश्ता होता है, कहाँ पाप होता है, कहाँ पुण्य होता है, वह धर्म सिखाता है। हर धर्म की अपनी अपनी एक सभ्यता है, अपनी अपनी एक गरिमा है, अपनी मर्यादा है। इस्लाम में कुछ और होता है, हिंदुओं में कुछ और होता है, बौद्धों में कुछ और होता है, जो उनकी परंपराएं हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन में कुछ और होता है। इस्लाम की यदि हम बात कहें, कंपेयर करके दिखाएं, इस्लाम में जो विवाह होता है
मामा फूफी की लड़की चल जाती है, ऐसा हमने सुना है। और भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि रिश्ते कुछ गंभीर होते हैं। दूसरे नंबर पर यदि हम बताएं आपको कि धर्म एक दुकान है हमारे मानने में, हम एक दुकान से एग्जांपल आपको बताएंगे। जिस व्यक्ति की दुकान अच्छी चल रही हो और दूसरा व्यक्ति भी एक दुकान खोलकर बैठ गया हो तो कंपटीशन हो जाता है। यदि इसकी दुकान हमें पीटनी है, इसके ग्राहक अपनी तरफ आकर्षित करने हैं, तो अपनी दुकान में अच्छे प्रोडक्ट रखने होंगे, टिकाऊ भी हो और लोगों को आकर्षित भी करे, जिससे कि लोग एक बार ले जाए 10 को भी बताए, 10 ग्राहक और आए, तो ऐसा अक्सर होता है। वहीं हम आपको बता देते हैं हिंदू धर्म के कुछ चराग किस्म के लोगों ने अपना एक अलग धंधा चमकाना चाहा, अपनी एक अलग दुकान चमकानी चाहिए जो काफ़ी हाईलाइट हुई। जैसे कि आशाराम ने अपनी एक दुकान बनाई थी धन धन सदगुरु करके, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और लोगों का भला भी हुआ उसमें कुछ। उसके बाद राम रहीम ने अपनी एक दुकान चमकाई, वहाँ भी लोगों की संख्या बढ़ने लगी, लोग टूटने लगे उसकी तरफ जाने लगे, क्योंकि उसके दुकान के अंदर कुछ प्रोडक्ट आकर्षित करने वाले थे, अच्छे थे, लोगों को मज़ा मिलता था। महिलाएं जाती थी गुफाओं में, जो महिलाओं को दम घुटता है चार दुआरी में, वहाँ निकलने का मौका मिलता था, वहाँ अच्छी चकाचौंध मिलती थी, ऐसा हमने देखा। किसी महिला की सबसे बड़ी समस्या खास तौर पर घर में कलेश होना, पति शराब पीता है, नशाखोरी होती है, उस चीज़ से छुटकारा मिला। कुछ लोग हमारी जानकारी में भी ऐसे थे जिनके काम चल पड़े ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनके पतियों ने शराब पीनी छोड़ दी, उन गुफाओं में जाकर, आश्रमों में जाकर उनमें परिवर्तन हुआ। तो हम यहाँ किसी की बुराई नहीं करेंगे और ना ही करनी चाहिए, ना ही हम किसी देवी देवता की, किसी कर्म कांड की, किसी धर्म की बुराई करना चाहेंगे, क्योंकि यदि हमें लग रहा है कि उसकी दुकान गलत चल रही है तो इसका सबसे बड़ा उपाय यह है कि अपनी दुकान में अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, अच्छे प्रोडक्ट सेल करें, जिससे कि उसकी दुकान ठप हो जाए, इधर दुकान चल पड़े। राजेंद्र पाल गौतम जी से भी हम यही कहना चाहते हैं कि 10 करोड़ क्या, 20 करोड़ क्या, 50 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिला दो, लेकिन तब दिलाओ जगदी वह टिके रहे वहाँ, जो सभ्यता थी, जो बौद्ध धर्म का कल्चर है, उसको वापस लाने की कोशिश करें। इसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाए, ऐसे प्रोडक्ट लगाए जाए। एग्जाम्पल हम इसलिए दे रहे हैं, कोई बुरा ना माने एक दुकान से, क्योंकि धर्म एक दुकान ही बनकर रह गया। ऐसे प्रोडक्ट लगाए जाए जो कि कोई महिला हो, बच्चा हो, कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, इधर टिक सके, उसको यह अच्छा लग सके, इसमें खप सके, बाहर ना निकलने को जी करे कभी। सारी अच्छाइयाँ जो यहाँ से निकल कर चोरी करके उधर गई, उन सबको किसी भी तरीके से इधर लेकर आया जाए और तर्क के आधार पर लेकर आया जाए, इसमें पाखंडवाद ना डाला जाए, तर्क के आधार पर हो। इसके ऊपर हम एक अगली वीडियो बनाएंगे कुछ दिन में कि क्या करना चाहिए, अपना विश्लेषण, अपनी राय देंगे कि किस प्रकार से हर जाति विशेष, हर धर्म से लोग बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करेंगे। ब्राह्मण जो हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कभी भी बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, नहीं करेगा, लेकिन हम एक ऐसी अपनी राय देंगे, एक ऐसा स्टडी करेंगे, ऐसा अध्ययन करेंगे कि जो ब्राह्मण है, पासी है, जैनी है, हर धर्म के लोग बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। ना रहेगी जातियाँ, ना रहेगा कोई पाखंडवाद। तो आज के लिए इतना ही, मैं उमेश करुणा, आप देख रहे थे बहुजन हलचल, आपसे इजाजत लेता हूँ, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो उद्धाय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।